हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज देखो, मैंने ना सैटरडे है और ब्लॉग कितने बजे बन रहा है? 4:30 बजे। और मैंने जब मोना जा रही थी तो कुछ थोड़ा सा शूट करी थी, उसके बाद में फिर मच्छी वाला आया था, फिर वो थोड़ा सा शूट करी, मतलब बनाऊँ क्या नहीं ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर बाद में चलो मैं बोली स्टार्ट ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वापस से फिर बीच में गैप हो जाता ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मेरी मोना आ गई स्कूल से। दुपट्टा निकाल दिया, गरम हो रहा था तो निकाल दिया भी सब। वो अच्छा हुआ उसके पैसे वसूल हो गए, 2 से 3 बार हो गया उसका पहनना, मतलब खरीद के लेके आया लेकिन उसके ना पैसे वसूल हो गए, बहुत अच्छी बात हो गई। ओके, तो आज भी अब इसके टीचर को पता था इसके पास में ये वाला ड्रेस है, तो टीचर ने इसको बोली कि तू ये बन। ट्रेडिशनल डे मतलब हर टाइप के बनने गए थे। कितने कौन कौन आया था बन के? मतलब के महाराष्ट्रन और ये राजस्थानी, ऐसे 4-5 जन को बोले थे, एक एक जन को कि बन के आओ हर टाइप के और ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनो, तो उस हिसाब से वो आई थी। हाँ बेटा, चलो मैं इसके ना कपड़े वगैरह चेंज कराती। और आज मैंने ना खाना नहीं बनाई थी। खाना क्यों नहीं बनाई मैंने? इसलिए रात का जो चिकन का सालन थी, रोटियां बची थी 2-3, तो मैंने काफ़ी सारे बनाई थी रोटी, और चावल भी थे ना, तो बच्चे लोग ने चावल ही खाए। और बाजरे की रोटी काला कलर है ना उसका, वो देख के लोग को ऐसा लग रहा कि मतलब क्या है, कि ना सोनू ने खाए ना किसी ने, तो फिर वो एक्स्ट्रा हो गया। मैंने और इन्होंने एक एक रोटी खाई, तो 3-4 रोटी, इतना सारा सालन बचा था, तो इस वजह से मैं अभी खाना नहीं बनाई। फिर वही हम लोग ने खाना खाए। अब देखो सारे बर्तन वगैरह, अभी 4:30 बज रहे, आपको मैं टाइम बताती हूँ। 4:05 बज के 5 मिनट हो रहे, मोना स्कूल से आई, तो चलो अभी चेंज वगैरह कराती हूँ उसको, मोना को कपड़े विपड़े, और फिर उसके बाद में देखते घर का काम करने का। आज मैं जो सोई बोलते ना, मेरे को ना सर्दी हो गई ना, और ठंड इतनी है, पता नहीं 2 दिन से ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा। पानी भी इतना ठंडा है कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। अभी थोड़ा मैं उठी हूँ, लेकिन उठने के बाद में मैंने सुबह में चाय वगैरह पी के वॉक करके आई, चाय पी, और उसके बाद में जो सोई। मुझे पता था खाना वाना नहीं बनाने का है, तो मैं एकदम बिंदास सो गई। तो फिर उठी अभी थोड़ा टाइम पहले, अब थोड़ी सी चाय पीती हूँ सबसे पहला, फिर काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब बर्तन वर्तन बाहर रख दी, थोड़ा बाहर धोएंगे ना, तो टाइम पास करते करते हो जाता, कोई भी आते जाते बात करते, बात करने में इसमें उसमें हो जाता है। तो चलो अभी मैं मोना को दे रही हूँ कपड़े, कितने बार बोले और दे रही भी नहीं यहाँ पे, और जलेबी भी दिए थे ना, जलेबी किधर दे मेरे को दे। हेलो सोनू, देखो कितनी ज़्यादा सुस्त होती है सोनू, कुछ काम करती नहीं, बस लेटे रहती। कपड़े भी बहुत सारे जमा हो गए, मशीन भी लगाने का है और कपड़े भी धोने के। मशीन में बाहर लगाने वाली, यहाँ से वायरिंग लेना पड़ता है इधर से, यहाँ से, और उसके बाद में फिर बाहर वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, घर वीर धो के लेती हूँ, जल्दी जल्दी सारे काम करके लेती हूँ, तो थोड़ा मुझे भी फ्रेश लगेगा और घर भी फ्रेश हो जाएगा। तो चलो किचन देखो, बर्तन ना 2 टब भर के बर्तन थे, तो मैंने सब बर्तन को लगाए, और ये जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं ये सब भी किचन को हटाना है। घर देखो, कपड़े पे सोई सुस्त बच्ची मेरी, कुछ काम करती है नहीं, सिर्फ खाने का और सोने का बस। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो मम्मा अभी लगा रहे हैं मशीन, आज बहुत सारे कपड़े इधर ना काम, एक दिन कपड़े नहीं धोते तो जमा हो गए। चलो मैं बाहर मशीन लगा रही, घर का काम भी करने का। बाहर लगा रहे? बाहर मशीन लगा रहे मम्मा, और अभी फटाफट घर का काम करेंगे, और मुझे अपना होमवर्क भी करना है फटाफट। चलो ये देखो कितने सारे कपड़े हो गए, बहुत ज्यादा कपड़े। अब देखो इतने थोड़े से बर्तन। मोना क्या कर रही है? हम लोग ने ना पिछली बार ना यहाँ पे ना क्या चटाई बिछाए थे, थोड़ा चेयर वगैरह लगा के ना, ये तो मैं इधर का देखो साफ करके दे रही हूँ। बाबू मत कर, मत कर, मत डो। क्या कर रहे तुम लोग? ये मैं तो बिना उसके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पिकनिक
ये लोग ना थैली में सारा ना खाने पीने का सामान लेकर आए हैं और थोड़े बुक्स भी है। सो खाने पीने का सामान उस वो थैली में लाए हैं और यहाँ पे लोग चटाई बिछा के ना पिकनिक खेल रहे हैं और उधर मम्मा ना मशीन वगैरह लगा रहे हैं। माँ यहाँ पे इतने बर्तन धोने के हैं, इतने नहीं और है ना, इतने बर्तन है और ये मशीन। आयत इतना बहुत मस्ती कर रहे हैं, मोनो के फ्रेंड आई है मद्दो, तो आयत उसको मारे मद्दो बहुत पागल हो रही है। मेरे सामने आकर रोक के दिखाती है ये, फिर मैं उसको कुछ बोलूं। ए क्यों मारी रहे उसको? मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पे कुर्सी पे, वो लोग मुझे खेलना नहीं ले रहे। क्यों? मैंने क्या की? क्योंकि तो हर बार अपनी मर्जी से लाती है, हम लोग एक मर्जी नहीं रखते। मैं बैठी हूँ बस यहाँ पे अकेली, मम्मा वहाँ पे काम करेंगे, वो लोग अपना अपना खेल रहे, मुझे खेलने नहीं दे रहे। वो ना क्यों नहीं खेलने दे रहे? क्या हुआ मोने? देखो वारिस ने कुल्ली कर दी उसका। गाँव के जैसा पानी पी रही हूँ। यहाँ पे मेरा काम चल रहा है, यहाँ मशीन लगी। तो मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज पढ़ के मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े बर्तन अभी दोनों धो रही हूँ और फोन लगाऊंगी चार्ज पे और फिर फटाफट से घर को साफ करके, बहुत पसा रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना गंदगी हुई है, फिर मैं साफ करके आपको बताऊंगी। तो ये देख लो इतने कपड़े है जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के कपड़े है, लेकिन ना थोड़ा पानी का इशू चल रहा था तो इसके लिए मैंने नहीं लगाई थी। अभी मैंने निकाली हूँ कपड़े धोने के लिए, फटाफट से धो के लेती हूँ और मिलती हूँ। तो गाइस देखो, मैं ना आज इतना मेरा घर में काम पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया ना, लेकिन मशीन में कपड़े लगाए उसके साथ साथ मैं आज कर रही थी इतना वो काम है ना पूछो मत। आज मैंने ना वो मच्छी वाला आया था ना, तो मच्छी ली थी मांदी ली, तो मुझे पता चला आज, मतलब इससे पहले कि मैंने एक दो बार ली थी ना, तो पता चला कि इनको पसंद है दाल चावल के साथ में मांदी ली मच्छी, तो मैंने आज ली। मैं बोली जाने दो इनको, लगती तो लेके रखती हूँ फ्रिज में मसाला वसाला लगा के, जब भी लगेंगे तब एक दो फ्राई करके देंगे उनको। तो अभी धोने के लिए बैठी थी तो कम से कम मुझे 3 घंटा लगा उसको साफ करने के लिए मच्छी को, तो बहुत मतलब डेंजर काम लगा मुझे, इतना टाइम और इतना पछतावा आ रहा था ना कि मैंने चुपका चुपली करके, देखो इतनी सी रहती है लेकिन उसको साफ बहुत करना पड़ता। मेरे चेहरे से लग रहा रहेगा मैं कितनी बोर हो गई, एक तो मेरे सर में दर्द दे रहा है सर्दी की वजह से, और वैसे मैं आज मैं मच्छी साफ करते बैठी और उसमें मेरा अच्छा हुआ कि मतलब मशीन में काम चल रहा है और इधर भी काम। तो चलो अभी मसाला लगाती हूँ मच्छी को और फिर उसके बाद में फ्राई करेंगे दाल चावल और मेथी की भाजी रोटी, ये बनने वाला है आज खाने में। चलो दिखाती हूँ। इसमें मैंने दाल रखी लेकिन गैस ऑन करना भूल गई, ऐसी भुलक्कड़ हो गई ली हूँ समझे। अब मैंने गैस ऑन करी, ये देखो इसको साफ करने के लिए मुझे पूरा 1 साल लगा, मतलब मैं पिछले साल बैठी थी और आज ये साल मेरे ये साफ करके हो गए समझे। इसका पूरा ऊपर का पूरा कचरा निकालना पड़ता है, ये देखो कितना साफ, ये बीच में भी इसकी गंदगी हटाना पड़ती है, ये बहुत मतलब इसके पेट को भी साफ करना पड़ता, फिर भी देखो थोड़ा थोड़ा इसमें ब्लैक है जो कि निकल रहा नहीं। और मैंने ना एकदम अच्छे से पूरा क्लीन करी, अब इसको मसाला लगाऊंगी। यहाँ पे देख लो क्या बनाया मैंने, मेथी की भाजी, यहाँ पे दाल चढ़ी है, अब हटाती हूँ इसको, यहाँ पे चावल चढ़ाऊंगी।
तो चलो देखो मैंने ये मांदी ली मच्छी, इसके अंदर मैं मसाले लगा रही हूँ। तो ये है फूड कलर, नमक, चावल का आटा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, और ये है एक नींबू का जूस। तो चलो मसाला लगा रही हूँ मैं, नींबू का जूस डाल दिए। और ये मैंने ना इसको 10-15 मिनट विनेगर लगा के भी रखी थी ताकि इसकी जो गंदी स्मेल है वो निकल जाए। तो चलो अभी ये मसाला लगा रही हूँ इसके अंदर, डाल रही हूँ और इनको मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने मसाला लगाई, अभी तुरंत इसको फ्राई कर रही हूँ। दाल भी गल रही है, चावल भी चढ़ा दिए। जितना ज़्यादा इसको धोने के लिए टाइम लगा ना गाइस, उतना ज़्यादा इसको फ्राई करने के लिए टाइम लगने वाला है, क्योंकि ना इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई करना पड़ता है और ये बाद में बहुत टेस्टी भी लगती है दाल चावल के साथ। तो चलो यहाँ पे पैन चढ़ा दी मैंने, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल और पूरी फिश को फ्राई करेंगे। आज गाइस हमने बनाया है फिश का ऑमलेट, फिश ऑमलेट बन गया है गाइस। पता नहीं मैंने चिपका चिपका के डाली, एक साथ में सब रिटर्न हो गए, मतलब अच्छे से पलट गए। मच्छी का ऑमलेट है ये। तो यहाँ पे लग गया है दाल को तड़का मस्त वाला। तो यहाँ पे देखो आधी अभी मच्छी फ्राई हो गई, बाकी है एक बार पलटूंगे ना तो हो जाएंगे। तो गाइस ये देखो मांदेली मच्छी को मैंने कैसे फ्राई करी, एकदम लग रहे ना पकोड़े, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हो गई है ये। और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। वाह एक नंबर टेस्ट लगा। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हो गया है नेक्स्ट डे, और कल मुझे इतना काम था, मैंने आपको कपड़े जो बताई थी ना वॉशिंग मशीन लगाई थी, उसके बाद में मुझे बच गए 2 बज गए। तो मैंने देखो घर में कितने सारे कपड़े सुखाए हूँ, इसको सुखाते सुखाते और धोते धोते ही टाइम लग गया, जबकि मैंने हाथ से नहीं धोई मशीन में धोई, लेकिन उसको देखना पड़ता ना, इस वजह से। अभी मॉर्निंग हो गई, बच्चे लोग सोए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही थी, यहाँ मिस्टर खान बैठा है, संडे है ना तो बच्चे अभी तक सोए हुए हैं। इधर देखो कपड़े के बीच में, अस्सलाम वालेकुम। कपड़े के बीच में मैं भी बैठा हूँ, क्या संडे की वजह से बच्चे लोग सही में भी सो गए बहुत टाइम से, और इसने क्या करी ये मुझे भी नहीं पता था। ये मैं सब बच्चे बच्चे सोने के बाद में यहाँ पे एक रस्सी बांधी, ये ऐसी, ये देखो, और ये जितने भी छोटे बच्चे लोग के कपड़े ना ये बीच में डाले, तो अभी बीच में चलने भी नहीं आ रहा कुछ भी नहीं, पहले इसको खोलना पड़ता है, फिर उसके बाद में, अभी छोटा घर है ना तो बहुत ज्यादा मतलब हायमारी हो जाती है, क्या करेंगे जाने दो। और कपड़े सुखाने जगह नहीं है तो मैंने उधर ये करी, बाहर है कपड़े, मैं तुमको दिखाती हूँ एक मिनट रुको। ये देख लो इतने सारे जो कपड़े हैं, ऐसे मैंने खिड़की में आधे डाली, इधर बाहर की रस्सी पे है, बाहर एक पाइप है उस पर है, और घाय घाय में ना पाइप, ये मशीन भी यहाँ किचन के पास में रखी, क्योंकि इधर बच्चे सोए हुए हैं यहाँ पे इसकी वजह से। तो फिर मैं अभी ये जा रहे बाहर, तो मैं उनको चाय बना के चाय और नाश्ता देती हूँ, और ये सारे जो है कपड़े उसको थोड़ा एडजस्ट करती हूँ बाहर। तो बाहर अच्छी खासी धूप निकली आज, और धूप में 5 मिनट में सूख जाएंगे, क्योंकि तो वॉशिंग मशीन में एकदम सुपर ड्राई करे हुए कपड़े हैं इस वजह से। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको इनको चाय नाश्ता देके। चाय का टाइम चल रहा है। तो गाइस ये देखो हमारी है मॉर्निंग वाली चाय बन के तैयार। थोड़ी सी ना रात की दाल थी, ये बोले दाल चावल दे दे मुझे नाश्ता, थोड़ी रात की दाल बची थी और चावल थे, तो क्या बोले ये बोले मेरे को नाश्ता दे दे, मैं वही खा के जाऊंगा। मैं बोली ठीक है चल। मच्छी भी है ना उसके साथ में फ्राई किए, मैं वही देती हूँ कि, तो फिर अभी बनाने में टाइम लगेगा,
और लेट हो गया ना, मैं रात में लेट सोई ना, तो इसके लिए लेट हो गया उठने के लिए। मैं बताती हूँ टाइम, आपने कपड़े हटाने हैं और देखती हूँ इनको। बॉर्डरी में थोड़ी हेल्प करो, जो कपड़े हैं वो बाहर डालो। नहीं सुन रहे, जो खिड़की में लो लटके हुए हैं वो, तो बहुत छोटे घर में एडजस्ट करना पड़ रहेगा। देखो कैसा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमको तकलीफ कुछ भी नहीं है। कभी कभार हो जाता है कपड़े ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो। गाइस देखो, मैंने सब कपड़े घर में के जितने भी थे ना सब हटा दी। काफ़ी टाइम लगा उसको, क्यों तो बाहर ले जाके मैंने उसको मतलब एडजस्ट कर ली। और इतनी अच्छी धूप निकली है बाहर, मैं बताती हूँ। ये देखो ऐसा मैंने इधर लगाए आधे कपड़े, यहाँ पे आधे कपड़े सूख गए और कुछ बच्चे हैं तो यहाँ पे कुर्सी पे रख दी जो बच्चों के कपड़े थे। दो बच्चे उठ के बैठे चाय पीने के लिए। वारिस, वारिस ने चड्डी नहीं पहना। इमोजी ने मैंने अपना हाथ लगाए। चले मुंह दांत वात घस लो, चलो जल्दी जल्दी दोनों जन, मैं चाय नहीं काट रही। तो फिर तुम सो जाओ, मैं चाय पीती। हाँ क्या हुआ? तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे ना फोन आके जू देखते बैठे, धूप भी है अच्छी मस्त एकदम। और ना स्कूल में जाते ना, स्कूल में बच्चे लोग के घुस जाते बाल, बार 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 ऐसे खुजा रही। मैं बोली चल देखते बैठे, 5-10 मिनट टाइम है बारिश में। उसके बाद हम मत कर दी। उसके बाद मेरा जब अच्छा रहा ना, फोन नंबर बुक नहीं मिल रही थी और मिल गई अभी, तो उसके अंदर हम वर्क करूंगी और ड्राइंग को भी कंप्लीट करके अपना रिवीजन ठीक है। चलो मैं इसके बाल में ना देखती हूँ है कि नहीं, तो बार बार खुजा रही ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कर, ये तो बच्चे के घुस जाते स्कूल में जाते ना इसकी वजह से। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़े टाइम। मम्मा भी मेरे जो निकाले, क्या करें? वो तो हो गए रे बाबा, 8 दिन में एक बार मैं देखती और ना वो लीक जो रहते ना वो इतने हुए पूछो मत। पता नहीं किसके बाद उसके सोरा है मेरे बाजू में, एक फ्रेंड है मेरी, उसके वजह से और हम देखता, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं बैठता मेरे पास। वही बैठती हाँ, क्योंकि मेरे बेंच पे खाली दो ही जाने। क्या कर रहे इतने जो क्या वो निकले ना लिख बोलते ना लिख, इतने पूछो मत। बहुत ज्यादा लिख हो गए, धूप आ रही है इसलिए दिख रहा है नहीं है ना। तो गाइस अभी आया मैं जस्ट, सवेरे जो गया था 10 बजे, 10:15 बजे निकला था शायद घर से, अभी जस्ट आया हूँ आगे। बस मुझे कॉफी बना के बहुत बेहतरीन पिलाई है क्या, और अभी इसको मैंने बोला कि आज क्या बना रही है, तब सोनू का दिल है क्या सोनू खाने का, व्हाइट वाली पुलाव खाने का। व्हाइट वाली कैसी रहती रही है पुलाव? हाँ, मम्मा बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ये व्हाइट पुलाव जो आलू डाल के बनता है ना वो बनाने के लिए बोल रही है, तो देखो इंशाल्लाह आगे। अभी हम लोग सारा सामान लाने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी मैं और सोनू लेके आएंगे सामान, ठीक है? मार्केट में जाके आते हैं तो मिलते हैं आपको बाद में। हम लोग अभी जा रहे हैं फटाफट, मैंने थैली भी ले ली, मैंने पकड़ी है, तो ना मोना भी हम लोग के साथ आ रही है, जिद करके आ रही है वो। गाइस हम लोग आ गए अभी मार्केट में और आज संडे बाजार है यहाँ का, हम लोग संडे मार्केट है आज। हाँ, इतनी गर्दी है कि पूछो मत, बता गर्दी बता। देखो आज कितना ट्रैफिक भी है, ये देखो आज बहुत गर्दी है, ओ देखो कितना क्राउड है आज। आज संडे रहता है ना तो आज बहुत भीड़ रहती है, ऐसे कपड़े के शॉप वगैरह लगते हैं। अरे मोनू और पापा चल रहे हैं यहाँ पे। आई लव पानीपुरी। अभी हम लोग फटाफट पहले चिकन ले लेते हैं, और मुझे जो भी समझ में आता है टमाटर कांदा फिर और कुछ भी लेना है फटाफट। हम लोग आ गए हैं चिकन की शॉप, तो ये है ना बिस्मिल्ला चिकन शॉप है, हम लोग के ये चाचा है दामू नगर में।
तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये बहुत डर रही तो गाइस देखो, ये हमारी चिकन शॉप है, बिस्मिल्ला चिकन शॉप। ये हमारे अशफाक भाई है, पूरी दुनिया देखेगी। ये हमारे सरदार भाई, हमारे गांव के बड़े, आज मिल गए, मुलाकात हो गई। हंसना थोड़ा सा। टमाटर कितना अच्छा है, आप चल रहे कितना किलो? 20 रुपए किलो है। 20 रुपए का आधा किलो। कडॉन बीच रोड पे बैठा है, देखो तो डर भी नहीं लग रहा है। वो बीच में रोड पे बैठा ही है। नींबू देखो, ये कितने छोटे से है। टमाटर हमको कहीं भी अच्छे नहीं दिख रहे, हम वो शॉप से ना बहुत दूर आ गए। ये 40 रुपए किलो टमाटर है। पकड़ना, गिराना नहीं। यहाँ पे दिए वगैरह है। अभी बस ना मुझे कांदा लेना। हम ढूंढे हैं कांदा, तो बहुत मस्त लगता है हम लोग के इधर। देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, बहुत चहल पहल, ऐसा बोर नहीं है सिटी। देख इधर चलती रहती है मुंह उल्टा करके, बस है भी। अरे वो उधर, ये देखो कांदा इतना मस्त है। आपका कितना किलो? ये 25 रुपए है, ये 20 रुपए किलो, वो 20 रुपए दो। ये 25 वाला अच्छा लगा, तो बताओ मस्त है ना कांदे। अच्छा अच्छा देख के डाल। हेलो दीदी, मेरा मत वीडियो। नहीं नहीं तुम्हारा नहीं ले रही, बस कांदा ले। क्या कर रही है? हाथ ले रही तुम्हारे। ये देखो अंगूठी। नमस्ते। वजन मेरे को लग रहा है तू हल्के से ले रही है इसको, कुछ भी देखो वो ना। बड़ा ना बहुत आगे आगे भाग रही है वो उधर है। सब बटाटे लेने आई हूँ मैं भी। हरा मसाला लेने आई मैं, 10 का हरा मसाला दो जल्दी से। मेरे से ऐसे होता है, चिल्ला हटना, चिल्ला लेती हूँ ना पैसे गिर जाते हैं, चिल्ला अगर है तो। हाँ ले, पाउडर केला ले रहे हैं हम लोग। ये चाहिए कि ये चॉकलेट पॉपकॉर्न चाहिए? चीज़, एक चीज दो, दो दे दो, दो। हाँ तो आ गए ये लोग सब्जी तरकारी लेके। अभी मुझे मैं घर का काम कर रही थी, सोची चलो ये सब धोने वाले बर्तन है। आयत और वारिस को खाना दिए ना, तो वारिस आयत बहुत ज्यादा गंदी हरकत करते। तो देखिए आज हमारे मास्टर शेफ क्या कर रहे हैं। बनाने से पहले एक बनाना खा रहा हूँ मैं। हाँ बनाने से पहले एक बनाना खा रहा हूँ, अभी तेल गर्म हो रहा है। अभी मैं बनाऊं। हाँ सिप भाई, पापा आएगा कि तुमको बराबर बनाने, जजमेंट समझेगा। देखो पुलाव एक नंबर बनाने आता, समझी क्या? हाँ हाँ, और वैसे भी कैसा है कि आज तेरी माँ बैठ बैठ के थक गई है इसके लिए आज बनाना मेरे को ही है। इत्तेफाक से तुम लोग पुलाव का प्लानिंग किए लाया आज, तो मेरे को ही खाना है ना ये। हाँ इसके लिए हम लोग नहीं खाएंगे ना? नहीं तुम खाएंगे, लेकिन मैंने बोली थी। अब हो रहा है कांदा फ्राई क्या? अब जैसे ही एक बार फ्राई हो गया ना कांदा, उसके बाद में इंशाल्लाह सब इसमें मटेरियल डाल देंगे अपन, और फिर तू देखते जा कि कैसी बनती है। हाँ। तो बोल रही ना
इसकी बनाने आएगी कि नहीं आएगी तो देखते हैं। आप कैसी बनेगी, मस्त एकदम एक नंबर पुलाव बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज जो हमारी गुल्लो है ना, बैठ बैठ के थक गई है। इसके लिए थक गई तो उससे जल्दी ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा था, तो मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ी इसकी हेल्प कर दूँ। चिकन धो के देती ना? हाँ चिकन धोने के बर्तन है थोड़े से धोने के, तो वो खाना बना रहे तो मैं बोली जब तक मैं ये करती हूँ, इधर देख कितने बर्तन हैं, ये धो रही हूँ। फटाफट धोएंगे तो खाना भी बनेगा साथ में काम भी होएगा। आज मैंने यहाँ पे सारा सामान निकाल के रखे, ये गरम मसाला किधर रखा हुआ है, पिसा हुआ है क्या? गरम मसाला हाँ इधर डब्बे में है देखो वहाँ पे। अच्छा, अरे डब्बे दिख रहे नहीं क्या तुमको? इनमें से कौन सा आया? इसमें से कौन सा डब्बे में रखे हुआ है? पिसा हुआ भी है, रखा भी रखा हुआ है। तो देखो मैं भी बर्तन धोने गई थी लेकिन इनको एक भी मसाला नहीं मिल रहा दोनों बाप बेटी को, तो यहाँ पे मैं हाँ तो मिल रहा नहीं बोले तो तुम्हें मेरे को लगा तूने यहाँ रखी गई। अभी सब रेडी रखने का क्या, ढूंढ के लेने का ना? मैंने मसाला यहाँ रखी है करके मेरे को ढूंढ के देना पड़ेगा ना, कौन नहीं से में? गरम मसाला नहीं, नहीं गरम, ये है गरम मसाला पूरा मिक्स है ना, पूरा सब मिक्स पीस के रखी मैंने, इसी को डालने का ना। नमक भी रख दी, सारी चीजें यहाँ पे कट करके चिकन धो के रखी सब रख दी, अभी चुपचाप बनाओ, चावल भी देना पड़ेगा है ना। चावल भी धो के अभी मत दे, मैं जब बोलूंगा तब दे, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना। अभी हमारा कांदा इस फ्राई नहीं हुआ, कांदा नहीं हुआ ना फ्राई। जब पूरी तरह से लाल होगा ये तुम तो उसको चम्मच हिला हिला के एकदम खीर बनाओ उसकी। तो यहाँ पे ये बना रहे थे पुलाव और उतने में आ गया मेरे अम्मी का फोन, तो इस वजह से ये व्लॉग बन नहीं पाया आगे का। और उसके बाद मैंने मेरे अम्मी से फोन पे बात की, तब तक ये बिरयानी पूरी बन के तैयार हो गई। ज्यादा भी नीचे ऊपर करने जाऊंगा ना तो ये हो जाएगा, गिर जाएगा, मतलब आलू टूट रहे हैं, इसको थोड़ा और 10 मिनट खाली दम पे लगने दो। तो गाइस हमारे आसिफ भाई ने बनाए बिरयानी, इधर देखो रेडी हो गई है मस्त एकदम, और खाली 5 मिनट कुछ रखू क्या? और इतने खुशबू अच्छे आ रही ना घर के अंदर, पूछो मत। और मैंने मेरा कुछ काम करे ना, मेरे मम्मी को फोन आया था, मेरे मम्मी से बात करते बैठी थी और इन्होंने इनका खाना बना लिए है ना। 5 मिनट का दम हो जाएगा, तुम बना रहे थे मैं बनाऊ, बना लो फटाक से चलो। ये छोकरा मेरे पीछे क्यों लगा जरा से कुछ करेगी, उसको एक फटका दिए कि कुछ चला गया मेरे। क्या हुआ? तुम नवाई करेगा तो ये मस्त चढ़। क्या हुआ? अगर ऐसा करे दोनों कैसी मस्ती चढ़ रही, देखो बारिश नहीं करना ऐसा। अब वो वहां खड़े लगे हाँ अरे अल्लाह बारिश 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 छोड़ो छोड़ो बारिश, कितना गुस्सा आयला देखो, छिड़के काट रहा देख, छोड़ कितना 5 मिनट तक काटा दिखा, बाप रे लो देखो कैसा है। क्या कर रहे कचुम्बर रेडी कर रहे क्या तुम? नमक दो 5 मिनट में, नमक का डब्बा दे दो। ये लो पकड़ो, अरे सोनू 2-4 प्लेट धो रही, अभी मैं बाद में धोऊंगी बर्तन। वैसे भी ना इतनी ज्यादा ठंडी है ना तो बर्तन धोने का मन नहीं कर रहा, इसकी वजह से मैंने सोनू को बोली तू जा और तू हमारे सबके हिसाब से प्लेट धो गिलास धो। यहाँ पे कचुम्बर रेडी हो गया, दही कम पड़ गया कि चलेगा जाने। देखो ना उतने कपड़े में कब से बोल रही दे मेरे पास में घड़ी करती, सुनी ने उसने। ये देखो इसका क्या चल रहा है।
ना काफी टाइम तक 5 मिनट तक काटा ना जोर से, उसके मुंह पे मारना पड़ेगा। हाँ सूज गया है ना, बस लबक डाल दिए। चलो दम हो गया, निकालो लेगा बिरयानी। चेक कुशल एक तो काम कर फटक से। क्या बोले, क्या बोल रहे, क्या बोले, क्या बोले थे तू? बिगड़ा है क्या? माय वाला तू एक तो काम कर। हाँ नहीं तो क्या है, जब से हम इच कर पूरा कटिंग मैंने करके दी, उनको सब रेडी करके देना पड़ा मुझे, फिर उन्होंने बनाए। चलो आज थोड़ा सुस्ती जैसा लग रहा। क्यों? हाँ तो चेक कर देख नमक। नमक कम है तो चलो निकालो खाना। हो गए सोनू प्लेटें धो के? आ हो गए, चलो निकालो ना फिर। तो निकाल देना आपके, मेरे नमक का डब्बा भी रख चल। ये देखो प्लेटें धोई हैं, यहाँ बैठे बैठे आज सब रख चल। ओ कभी कभार थोड़ा ना ये भी करना पड़ता है, रोज मैं करती ना, एक आध बार करे तो कुछ नहीं। दे दे इधर गिलास हो गए लेकर। फिर हमने भी एक आध बार काफी कुछ बोल रहे आज हम खाना नहीं कर। भर ले बस पीने के। कितना फास्ट भर रहा है तेरे इस मोबाइल का पता। वाओ वेरी नाइस ब्लॉग। चलो निकाल। कौन सी किसको दी ये प्लेट एक्स्ट्रा? तुम बोलो ना मैं किसी प्लेट में ना क्या आना नहीं नहीं संडे हो जाएंगे बेटा। और कितनी मस्त बनी, कितनी बनी, बहुत अच्छी बनी। दफ्तर खानी नहीं मिल रहा, इतना ढूंढी ढूंढी मिल रहा है। मैं चिल्ला रही मेरे को दफ्तर किधर है, दफ्तर किधर है, मेरे को मिला ही नहीं। किधर रखी है? अरे वो कपड़े में चला गया इसलिए। अच्छा देख देख कितना हो गया इसमें, मेरे को ना कम नहीं पड़ेगा। बिना दफ्तर के अच्छा भी नहीं लगा। फोटो क्लिप कर दे। गाइस हो गया हम लोग का खाना खा के, ये बारिश के हाथ में क्या खा रहा है? बलून खा रहा? नहीं खाओ ना भूखे को, अच्छा नहीं है। तो हो गया हम लोग का खाना वाना खा के गाइस, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पुलाव बना था। मैंने बनाया करके नहीं लेकिन अच्छा बना था। आप खाली कुछ मत कर, फटाफट सफाई कर और एक कप मेरे को चाय बना के दे दे बस खत्म। चाय अभी थोड़ी चाय बनवा दे। तुम तो बोले नहीं करके। नहीं चाय बना, ये गलत बात है। गलत बोला सही नहीं, चाय बना एक कप फटाफट चल। तो चलिए चाय की फरमाइश है तो, लेकिन मैं ये व्लॉग एंड करने के बाद में बनाऊंगी चाय। व्लॉग 2 दिन से चढ़ रहा है, सोच रही हूँ एंड कर लूँ। कैसे लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी, और व्लॉग को फुल वॉच करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।